मंगलम मंगलम ओम मंगलम मंगलम ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सदिशों के गुणनफल के बारे में। बात करने वाले हैं कि सदिशों का जो गुणनफल होता है वो कितने तरीकों से किया जा सकता है, उन सभी के बारे में हम आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं मंगल सुधर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल मेंटोर मंगल पे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे हेडिंग लिखी हुई है सदिशों का गुणनफल, यानी कि हम इस टॉपिक के अंदर आज पढ़ेंगे सदिशों का गुणनफल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि कोई भी एक सदिश राशि होती है उसका गुणा कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है उसका गुणा या तो आप अदिश राशि से गुणा कर दो। कोई भी सदिश राशि है उसका, जैसे एक सदिश राशि है आप उसका गुणा कर रहे हो अदिश राशि से, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है ना, या फिर तरीका ऐसा हो सकता है कि सदिश राशि का भी जो गुणा होता है वो आप सदिश राशि से कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। सदिश राशि का दूसरी सदिश राशि से गुणा कर दो, क्लियर है ना, ये हो गया। यानी कि सदिश राशि का अदिश राशि से भी गुणा कर सकते हैं और सदिश राशि का सदिश राशि से भी गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी दो टाइप का गुणा होगा और उन्हीं के बारे में आज के वीडियो में हम पूरे लेक्चर के अंदर इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो सदिश राशियों का जो गुणा होता है उसे बोला जाता है अदिश गुणनफल और एक को बोलेंगे अपन सदिश गुणनफल। यानी कि एक सदिश राशि का दूसरी सदिश राशि से जब गुणा करेंगे तो गुणा भी दो तरीके का हो सकता है, एक को बोलेंगे अदिश गुणनफल और एक को बोलेंगे सदिश गुणनफल। कैसे इसको अपन समझते हैं यहाँ पे? अब बोलेगा सर मैं कैसे मान लूँ कि मतलब ये अदिश गुणनफल और ये सदिश गुणनफल, कैसे अपन फील नहीं आ रहा है ना। अपन देखिए जैसे कोई भी सदिश राशि है आपके पास में, जैसे मैंने बोल दिया कि कोई भी ए वेक्टर है अपने पास में वो है 2i कैप + 4j कैप + 6k कैप, ऐसा कोई आपके पास में वेक्टर है, ये सदिश राशि हो गई। अब इसका गुणा करना है अदिश राशि से। अदिश राशि कोई भी एक हो सकती है जिसकी कोई डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन नहीं होने का मतलब उसके अंदर आई कैप जे कैप के कैप होगा नहीं, एक सिंपल सा नंबर होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि वो ये है, जैसे 4 है, आपको बोला जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल है 4 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ में होगा। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वेक्टर नहीं है ओनली बी है, बी का मल्टीप्लाई आपको करना है किसके साथ में, ए वेक्टर के साथ में। तो कैसे करोगे आप, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई पूरे से करना है 2i कैप + 4j कैप + 6k कैप, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आंसर आएगा 8i कैप + 16j कैप + 24k कैप, ये आ जाएगा। ये तो मतलब बड़ा सिंपल है, क्या है कोई भी अदिश राशि है, मतलब कोई भी सदिश राशि है इसका गुणा अदिश राशि से करना है तो पूरे के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ये निकल के आ जाएगा, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये तो मतलब गली गली में बच्चा भी कर सकता है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगला करते हैं अपन, वो है कि यदि सदिश राशि के साथ में दूसरी सदिश राशि का गुणा हो जाए तो फिर क्या होगा, अदिश के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको अपन सीखेंगे आज के पूरे लेक्चर के अंदर इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि दो सदिश राशियों का गुणनफल दो तरीकों से किया जा सकता है। जैसे एक आपके पास में सदिश राशि है ए और दूसरी सदिश राशि है बी, यदि आप इन दोनों का गुणा करते हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई करने से जो नई राशि मिलेगी वो कैसी मिले, अदिश राशि मिले, कैसी मिले अदिश राशि, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से, इन दोनों का जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो मिलने वाली राशि वो सदिश भी हो सकती है। कैसे सर, कैसे मान ले आपने बोल दिया, आपने बोल दिया तो हम ऐसे कैसे मान ले कि दोनों का गुणा करने से सदिश राशि मिल सकती है, सदिश राशि मिल सकती है। चलो फील करते हैं इसे, ठीक है ना। देखिए जैसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे अपन बात करें बल और विस्थापन, बल कैसी राशि सदिश, विस्थापन भी कैसी है सदिश है, दोनों का गुणा करते हो कौन सी राशि मिलती है कार्य, और कार्य कैसी है अदिश राशि, ये इसका एग्जांपल हो गया। यानी कि अपन जब बात करें वर्क की बात करते हैं तो वहां पे लिखते हैं एफ सदिश का गुणा करते हैं, का गुणा किससे करते हैं, का गुणा विस्थापन सदिश से करते हैं, अरे करते हैं ना डी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हमारे को कार्य मिलता है, यानी कि कार्य कैसी होगी अदिश राशि होगी। यानी कि जब इस तरीके का गुणा कि जिसके अंदर दो सदिश राशियों का गुणा कर रहे हैं और दो सदिश राशियों का गुणा करने से मिलने वाली राशि यदि अदिश है तो इसे अपन बोलेंगे अदिश गुणनफल बोलने वाले हैं, क्लियर है। एक इसको भी अपन एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे फॉर्मूला होता है
यदि हमारे पास में कोई भी बल आघूर्ण के फॉर्मूले की बात करें, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, टो से लिखते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू, क्या फॉर्मूला होता है, बल इंटू बल की क्रिया रेखा से सीधी डिस्टेंस, यानी कि सीधी दूरी की बात करेंगे, सीधी दूरी, और ये कैसी राशि होती है, डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट, सीधी दूरी, ये भी कैसी है, सदिश राशि, ये भी कैसी है, सदिश राशि, और ये भी बल आघूर्ण पे क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, यानी कि यहाँ पर आपने दो सदिश राशियों का गुणा किया है, और गुणा करने से मिलने वाली राशि यदि सदिश है तो इसे बोलेंगे सदिश गुणनफल बोलने वाले हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बल का गुणा विस्थापन से कर रहे हो आप, बल का गुणा विस्थापन से कर रहे हो, और हमारे को मिल रहा है कार्य मिल रहा है, यानी कि देखिए ये भी सदिश, ये भी सदिश, दो सदिशों का गुणा किया, गुणा करने से मिलने वाली राशि कैसी, अदिश राशि है, तो यहाँ पे डेफिनेटली दोनों के बीच में एक अदिश गुणनफल हुआ होगा, या फिर इन दोनों के बीच में कौन सा गुणा हुआ होगा, सदिश गुणनफल हुआ होगा। यानी कि सिंपल सा तरीका है, सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या यानी कि यहाँ पर दो टाइप पढ़ेंगे हम, एक तो पढ़ेंगे अदिश गुणनफल, यानी दो सदिशों का गुणा करने से मिलने वाली राशि यदि अदिश है, कैसी है, अदिश, तो अपन बोलेंगे अदिश गुणनफल, दो सदिश राशियों का गुणा करने से मिलने वाली राशि अदिश है तो इसे बोलेंगे अदिश गुणनफल, और अदिश गुणनफल को इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसी का एक और नाम है, इसे बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्लियर है। और एक दूसरा होगा, वो होगा सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, जिसे अपन बोलेंगे वेक्टर, सॉरी हाँ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसका नाम होगा क्रॉस प्रोडक्ट, इसे अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं, और फिर मेरा जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपन बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अदिश गुणनफल, जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम भी है, क्या अदिश गुणनफल, दो सदिश राशियों का गुणा करने से मिलने वाली राशि यदि अदिश है तो इसे अदिश गुणनफल बोलेंगे, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अपन बात करें इसको लिखने का तरीका क्या होगा, माना दो सदिश, माना दो सदिश, ए सदिश तथा बी सदिश है, तो इनका सदिश गुणनफल कैसे लिखेंगे, सॉरी इनका अदिश गुणनफल कैसे लिखेंगे, अदिश गुणनफल, इसका अदिश गुणनफल लिखेंगे ए वेक्टर, और डॉट करके लिखेंगे, ध्यान रखना कि दो राशियों के बीच में गुणा करना है तो एक तो ऐसे लिखेंगे अपन ए क्रॉस बी करके, और एक लिखेंगे ए डॉट बी करके, यदि आप डॉट लिखते हो मतलब दोनों के बीच में अदिश गुणा हुआ है, क्रॉस करके लिखते हो मतलब दोनों के बीच में सदिश गुणा हुआ है, अदिश गुणा करने से मिलने वाली राशि अदिश होगी, क्रॉस गुणा करने से मिलने वाली राशि सदिश होगी, आप इस तरीके से पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, इस तरीके से ये लिखने का तरीका होता है अदिश गुणनफल को, कैसे लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करके लिखेंगे, इसका आंसर कितना आएगा, जब भी अपन गुणा करेंगे तो मिलने वाली राशि डेफिनेटली अदिश होगी, स्केलर होगी, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी वो वैल्यू को चेक करना है। जैसे हमारे पास में कोई भी ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो जब भी इसकी वैल्यू निकालोगे आप ए का मल्टीप्लाई बी से करोगे, यानी कि ए का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कौन सा करना, अदिश, अदिश को लिखा जाता है डॉट से, जब ए का मल्टीप्लाई बी से करोगे तो इसको वैल्यू जो होती है इसकी वो होती है ए का मैग्नीट्यूड लिखो, फिर बी आ रहा है बी का मैग्नीट्यूड लिखो, और कॉस थीटा लिखोगे, थीटा कौन सा होता है एंगल, एंगल किसके बीच का, देखो ए और बी का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आप करोगे ए से बी की ओर का एंगल, यानी कि ए इधर है बी इधर है, तो ए से बी की ओर का एंगल यानी कि ये वाला एंगल होगा, एक एंगल बी से ए की ओर भी हो सकता है, आप बी से ए की ओर इस तरीके से भी घुमा सकते हो, ठीक है, तो आपको एंगल हमेशा थीटा ये लेना है, क्लियर है, ठीक है। ये इस तरीके से अपन लिखते हैं, यहाँ पर बेटा दो टाइप के एंगल बनते हैं, थीटा ये वाला भी एंगल, ये वाला भी हो सकता है और एंगल ये वाला भी तो बन सकता है, हमेशा आपको यहाँ पर जो भी एंगल लेना है वो छोटा वाला कोण लेना है, बड़ा वाला कोण नहीं लोगे,
क्यों बोलेगा सर मैं बड़ा वाला कौन लूंगा तो क्या होगा? अरे जब बड़ा एंगल लोगे तो भी आंसर तो बेटा ये निकल के आएगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों? यदि जैसे ये आपको एंगल थीटा दिया हुआ है तो आप ये वाला एंगल कितना लिखोगे, 360 माइनस थीटा लिखोगे। जब भी यहाँ पर 360 माइनस थीटा लिखोगे यानी कि कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे, 360 माइनस थीटा। अरे 360 माइनस थीटा का मतलब हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है यानी कि हम लिखेंगे पॉजिटिव, और कॉस है तो कॉस लिखेंगे क्योंकि 360 होने पर कॉस चेंज होगा नहीं, थीटा है तो थीटा लिखेंगे, वापस से आंसर वही निकल के आएगा। इसीलिए आप सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं आपको कि एंगल हमेशा आपको छोटा ही लेना है, ये वाला एंगल ही लेना। दो एंगल बनेंगे, एक बड़ा वाला एंगल बनेगा एक छोटा एंगल बनेगा, लेकिन एंगल हमेशा छोटा लेगा। कोई बोलेगा कि सर मैं तो बड़ा वाला लूंगा, जब आप बड़ा एंगल भी लोगे आंसर सेम ही निकल के आएगा, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में आ गया ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे। ठीक, क्या होगा, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कुछ इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं अपन, मतलब इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बात करते हैं। तो अपना अगला टॉपिक यही है कि अदिश गुणनफल के, जैसे एक सवाल यही करते हैं अपन, इसी के बेस पे एक सवाल करते हैं। जैसे आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इधर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4, एक इधर दिया हुआ है बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, और इनके बीच में एंगल दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो सरल करते हैं। अरे फॉर्मूला, इसने बोला है कि इसका अदिश गुणनफल बताइए क्या होगा, तो इसका अदिश गुणनफल करेंगे तो लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है बेटा बोल लाला। अरे लाला बोल भाई, अरे यस और नो यही फॉर्मूला होगा ना, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होगा। मॉड ए की वैल्यू कितनी है 4, मॉड बी की वैल्यू कितनी है 3, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो कितना आएगा 4 × 3 × cos 60 कितना होगा 1/2, 2 से 2 मर गया तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 × 3 = 6, यानी कि आंसर आ गया 6। इस तरीके से आपको आंसर निकालने हैं। क्लियर है? ठीक है, अगला अपन देखेंगे इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज यानी कि अदिश गुणनफल के अगला जो बेटा हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं अदिश गुणनफल के गुणधर्म के बारे में बात करने वाले हैं। और पहला जो गुणधर्म बात करेंगे वो बात करेंगे कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, इट इज फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय का मतलब यदि आप क्रम को एक्सचेंज कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही केस में जो आंसर निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा। कैसे, जैसे आप करते हो ए डॉट बी करते हो तो आंसर क्या लिखोगे आप, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यदि आप लिख लेते हो बी डॉट ए तो भी आप आंसर क्या लिखोगे, मॉड बी, जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखो, बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखो, इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? जैसे आपके पास में दो है, एक आपको दे दिया ये ए वेक्टर और एक आपको दे दिया बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, और ये इनके बीच का है एंगल। ठीक है, हमेशा देखिए आप ए डॉट बी करोगे यानी कि ए से बी की ओर जाओगे तो एंगल कितना है, ए से बी की ओर जब जा रहे हैं तो एंगल कितना है, थीटा है, तो अपन लिखेंगे कॉस थीटा मॉड ए मॉड बी, मॉड ए पॉजिटिव होगा मॉड बी भी पॉजिटिव होगा और ये आंसर भी पॉजिटिव निकल के आएगा, कोई ना कोई आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे को करना है बी डॉट ए, यानी कि बी डॉट ए कैसे करेंगे, जो पहले दिया हुआ होता है उसका मॉड पहले लिखेंगे, बाद में दिया उसका मॉड बाद में लिखेंगे, इंटू कॉस थीटा, थीटा का मतलब दोनों के बीच का एंगल। और ये एंगल मैंने बता रखा है कि आपको एंगल हमेशा छोटा ही लेना है, क्योंकि आप यदि बड़ा एंगल भी ले लेते हो और कॉस 360 माइनस थीटा लिखोगे तो आंसर वापस से वही मिलने वाला है। क्लियर है? तो इस केस में भी आंसर तो यहाँ पर भी कॉस थीटा ही आएगा। और मैं कह रहा हूँ कि जैसे इसकी वैल्यू ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 3 है और दोनों का मॉड ले रहे हो यानी कि दोनों की पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो, दोनों की पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो, तो यहाँ पे 4 × 3 करोगे तो भी 12 आएगा और यहाँ पे 3 × 4 करोगे तो भी क्या आएगा, 12 आएगा। यानी कि दोनों ही केस में यहाँ पर निकालो आंसर भला यहाँ पर निकालो आंसर, दोनों ही केस में जो आंसर निकलने वाला है वो बराबर निकलने वाला है। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए करो, दोनों ही केस में जो आंसर निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा। क्लियर है? ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। हम दूसरी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं।
अब देखेंगे दूसरी वाली प्रॉपर्टी, दूसरी जो प्रॉपर्टी है बेटा वो है, इधर देख लाला, ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ना ये एग्जाम में काम का है, इधर इधर मत देखा कर, ठीक है ना, एग्जाम ये आएगा, पड़ोसी कोई काम नहीं आएगा, ठीक है ना, पढ़ना देर वो खुद को पढ़ेगा। दूसरा देखिए, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल, क्या निकल के आएगा, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल। जैसे एक सदिश दिया हुआ है ए सदिश और एक दिया हुआ है बी सदिश, दोनों समांतर, ए वेक्टर भी इधर है बी वेक्टर भी इधर है, दोनों समांतर है कि नहीं बेटा यहाँ पे, तो कितना बनेगा थीटा, अरे थीटा कितना बनेगा, जीरो डिग्री ना, तो अपन लिखेंगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, थीटा जीरो डिग्री बनेगा, तो जीरो की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो आंसर निकल के आएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, कॉस जीरो, वन कितना होता है, वन होता है, यानी कि इसका जो आंसर निकल के आएगा वो सिंपल सा है कि जब भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। क्लियर है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपके पास में एक फोर वेक्टर इधर दिया हुआ है और एक वेक्टर इधर दिया हुआ है 3i, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आंसर जब लिखोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना 4, इसका मैग्नीट्यूड कितना 3, 4 का 3 से मल्टीप्लाई किया आंसर क्या निकल के आएगा 12। आपको सिंपल है कि जब दोनों समांतर होते हैं दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, इसको अपन एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे एक्स अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो आई कैप होता है, दूसरा भी हमने क्या ले लिया, आई कैप ले लिया। अरे आई कैप एक ये सदिश दिया हुआ है, एक सदिश ये दिया हुआ है, दोनों की दिशा क्या है समान, मतलब कौन से सदिश होंगे, समांतर सदिश, समांतर सदिश होंगे तो आई कैप और आई कैप कितना होगा, अरे फॉर्मूला मॉड आई कैप कॉस थीटा, अरे थीटा कितना बनेगा, जीरो डिग्री। मॉडुलस आई कैप का मतलब इसकी मैग्नीट्यूड कितना होता है, अरे एकांक सदिश का मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक, इसका भी कितना होगा एक, कॉस थीटा भी कितना होगा एक, आंसर क्या निकल के आएगा एक। यानी कि जब भी आप आई डॉट आई करोगे तो आंसर क्या निकल के आएगा बेटा, वन निकल के आएगा। ऐसा का ऐसा यदि आप करोगे बेटा जे कैप डॉट जे कैप, तो इसका आंसर भी क्या निकल के आएगा एक। यदि बेटा आप ऐसा करोगे के कैप डॉट के कैप, तो इसका आंसर भी जो बेटा निकल के आएगा वो वन ही निकल के आएगा। यानी कि दोनों समांतर हो गए, ये दोनों भी आपस में समांतर है, ये दोनों भी आपस में समांतर है, तो सिंपल सा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इनके मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड एक, इसका भी मैग्नीट्यूड एक, एक इंटू एक करेंगे तो आंसर निकल के आएगा एक निकल के आएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखोगे, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, ठीक है। अगला सीखते हैं, तीसरा, दो लंबवत सदिशों का गुणा करना है। तीसरा सीखेंगे दो लंबवत सदिशों का गुणा करना है, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, जैसे एक वेक्टर इधर दिया हुआ है ए और एक वेक्टर दिया हुआ है बी इधर, और दोनों एक दूसरे के साथ में लंबवत है, यानी कि थीटा कितना है 90 डिग्री है, और आपसे पूछा जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, अरे बहुत हल्का सा सवाल है ना, हल्का सा है। कैसे, फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी कॉस, थीटा की जगह क्या लिखोगे, कॉस 90 लिखोगे, और 90 होते ही पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि आंसर बेटा क्या निकल के आएगा, जीरो। यानी कि पॉइंट ध्यान में रखोगे, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल जीरो होता है, याद रखोगे, क्लियर है, ठीक है। अब आगे हम सीखते हैं बेटा, देखो जैसे एक एग्जांपल में ले लेता हूं, आपको पूछा जाए कि आई डॉट जे कितना होगा, या फिर जे डॉट आई कितना होगा, या फिर आई डॉट सॉरी जे डॉट के कितना होगा, या फिर के डॉट आई कितना होगा, ये पूछे जा सकते हैं यहाँ पे,
तो कितना आंसर निकल के आएगा यहां पर, तो हम आंसर निकालते हैं। देखो आई कैप कौन सी दिशा में होता है, एक्स एक्स में। जे कैप कौन सा होता है, वाई एक्स में। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, इधर हो गया आई कैप, इधर हो गया जे कैप, एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। और जब एंगल 90 होता है तो फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, 0। ठीक है, जे डॉट के, अरे जे कैसे होता है, ऊपर की ओर, के कैसे होता है बाहर की ओर, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। जब 90 होते इनका भी आंसर क्या आएगा, 0, इनका आंसर भी क्या आएगा, 0। क्लियर है, ये ध्यान में रखोगे, क्लियर है, रब कर दे इसे बेटा। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं, दो समान सदिशों का गुणनफल, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होगा, ये बेटा आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे आपको पूछा गया है a डॉट a, तो सिंपल सा है, आप क्या करोगे, a का मॉड, इसका मॉड, इसका भी मॉड लिखोगे और cos थीटा। अरे जब दोनों एक जैसे सदिश है तो एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये cos 0 कितना होगा, 1। a का मॉड, a का मॉड, दोनों का मॉड करेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर। यानी कि सिंपल सा है कि जब आप a डॉट a करोगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टीज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखोगे। चले इसे रब कर दो बेटा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टीज को देखते हैं। हाँ, अगली देखियो, यदि हमारे को कोई भी दो सदिश है वो उनके घटकों के रूप में दिए गए हैं और फिर पूछा गया है कि उनका गुणनफल क्या होगा। जैसे आपको एक सदिश दे दिया, माना ए सदिश बराबर आपको दे दिया 4i कैप प्लस 3j कैप, और बी वेक्टर आपको दे दिया 2i कैप प्लस 6j कैप, और पूछा गया है कि ए डॉट बी क्या होगा। वैसे आपको फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। आप क्या करोगे, ए का मैग्नीट्यूड यहां से निकाल सकते हो, बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, लेकिन आप कॉस थीटा नहीं निकाल सकते बेटा यहां पे। तो फिर क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, क्या तरीका है कि आप ए वेक्टर की वैल्यू यहां पे रखो, ये रख दी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू मैंने यहां पे रख दी, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी यहां पे डॉट 2i प्लस 6j कैप। यानी कि सिंपल सा है, अरे इसका मल्टीप्लाई पहले 4i का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करो, पूरे के साथ में करेंगे तो क्या आएगा, 4i का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा, अरे 4 का मल्टीप्लाई 2 से क्या 8, और यहां पर क्या है i, और यहां पर भी क्या है i, i डॉट i, अरे i डॉट i कितना होता है बेटा, 1 होता है, प्लस फिर 4i का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 4 का 6 से मल्टीप्लाई किया 24, लेकिन अंदर क्या होगा, i कैप डॉट j कैप लिखेंगे, i कैप डॉट j कैप, प्लस फिर 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 6, फिर j डॉट i करेंगे, j डॉट i करेंगे, फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 18, यहां पर कितना है j, फिर डॉट यहां पर भी क्या है j, यानी कि लिखेंगे j डॉट j। अरे हमें पता है कि i डॉट i कितना होता है 1, अरे i डॉट j कितना होगा, अरे ये दोनों तो लंबवत सदिश है और लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0। आपको एक वेक्टर दिया गया, एक सवाल करते हैं अपन, ठीक है, एक सवाल है, ए वेक्टर दे रखा है आपको 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर बेटा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि ए तथा बी के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, ए तथा बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, कि दोनों वेक्टर के बीच में कोण ज्ञात करना है आपको, ठीक है, के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, ये आपको सवाल दिया गया। चलिए फटाक से इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए, क्या आंसर आता है, फिर मैं इसको चेक करता हूँ। अरे फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए का ए कितना दिया हुआ है, आप पहले ए डॉट बी निकालो, अरे ए डॉट बी निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालते बेटा, अभी जस्ट मैंने बताया कि 4 का मल्टीप्लाई 2 से करो 8 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करो 8 आ जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 से करो तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे मॉड ए,
मॉड ए का मतलब होता है आपको ये जो ए वेक्टर दिया गया है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। और बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया जाता है, फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो एक्स घटक दिया गया है उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है उसका घटक कीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर सारी डिस्कस कर रखी है कि कैसे मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। आपने यदि वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ। देखो 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यानी कि यहाँ से बेटा 9 और 4 कितना हुआ 13, 13 और 16 कितना हुआ 29। फिर यहाँ पर आते हैं मॉड बी निकालते हैं, मॉड बी बेटा कितना निकल के आएगा, अरे एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 × 2 = 4, 416, 3 × 3 = 9, यहाँ से भी कितना आएगा अंडर रूट 29 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे मॉड ए की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 29, बी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 29, और आपको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा देखो 8 × 8 = 16 × 9 = 25 हो गया, 25 इक्वल टू अंडर रूट 29, और अंडर रूट 29 कितना हो गया 29 हो जाएगा इनटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा बेटा कितना निकल के आ जाएगा, वो आएगा 25/29, तो आपको तो बेटा निकालना है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 25/29 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा, थीटा की वैल्यू होगी। तो आपको इस तरीके से थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर है, एक सवाल हम करते हैं। चलो बेटा इसे कॉपी में लिख दिया, ठीक है रब करता हूँ। ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं यहाँ पे अपन, जो कि आपके एग्जाम में आ रखा है ऐसा सवाल करते हैं। फटाक से लिखो आप इसको। देखो बेटा सवाल दिया गया है यहाँ पे, यहाँ पे जो सवाल दिया गया है वो दिया गया है इसका आंसर बताना आप। ठीक है, हाँ इफ वेक्टर आपको दिया गया है, ए वेक्टर 2i + 3j + 8k कैप, दूसरा दिया गया है 4j + αk कैप, और इसने बोला है कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा का मान क्या होगा, ये आपके एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में आ रखा सवाल है, आपको अल्फा का मान निकालना है। यदि ए तथा बी दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो अल्फा का मान क्या होगा, आपको अल्फा का मान निकालना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, स्क्रीन को होल्ड कीजिए और फटाक से आंसर बताइए, और फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए कितना आपके आंसर आता है देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। अरे दोनों एक दूसरे के लंबवत है, और लंबवत होने की शर्त क्या होती है कि ए डॉट बी दोनों क्या होना चाहिए, इसका जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू दोनों एक दूसरे के लंबवत है, थीटा की वैल्यू क्या होगी 90, थीटा की वैल्यू 90 होती है, कॉस 90 कितना हो गया जीरो, यानी कि इनका मल्टीप्लाई जीरो होना चाहिए। और ए डॉट बी कैसे करते हैं बेटा, अरे आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, के का के के साथ में, यानी कि 2 × 4 से किया 8 आ जाएगा, 3 × 4 से किया लेकिन माइनस है तो -12 आ जाएगा, यहाँ से 8 और अल्फा का मल्टीप्लाई किया तो 8α आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 8 में से -12 किया -4, 8α इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बेटा आएगा 8α इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 4/8, तो आंसर आ जाएगा अल्फा का 1/2, यानी कि आपके जो आंसर आएगा अल्फा की वैल्यू बेटा क्या होनी चाहिए 1/2 होगी। तो यहाँ पे दोनों का जो दोनों सदिश होंगे वो एक दूसरे के लंबवत होंगे। एक सवाल और करता हूँ, आपको सदिश दिया गया है, एक सदिश दिया गया है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर दिया गया है। ठीक है, तो इसका एक्स अक्ष के साथ में कितना कोण है, एक्स अक्ष के साथ में कितना कोण है ये आपको ज्ञात करना है, कितना कोण है। ऑप्शन में दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 1 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 0 डिग्री। तो देखिए जहाँ कहीं पे भी इस तरीके की प्रॉब्लम बेटा आती है तो वहाँ पे सबसे पहला काम होता है आप डायग्राम बनाओ। आपको कोई भी एक ए वेक्टर दिया, माना कि ये हमारे पास में एक्स अक्ष है, ये वाला वाई अक्ष है, मैंने मान लिया कि ये सदिश है वो ये वाला आपको दिया गया है,
ये सदिश आपको दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप। इसने बोला है कि इसके साथ में कितना कोण बनेगा थीटा, ये आपको पूछा गया है। अरे सिंपल सी बात है लाला, अरे एक्स अक्ष के अनुदिश हमारे को एक वेक्टर पता होता है, उसे अपन एकांक सदिश कहते हैं, और वो एकांक सदिश कौन सा होता है, आई कैप होता है। अरे आई कैप की डायरेक्शन ये होती है कि नहीं, यानी कि हमारे को एक सदिश मान लेते हैं कि ये सदिश कौन सा है, बी सदिश है, बी सदिश बराबर मैंने मान लिया आई कैप है और ये सदिश आपको दिया गया है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। फिर करेंगे ए वेक्टर, अरे ए वेक्टर बेटा कितना दिया गया है, ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, और बी वेक्टर कितना दिया गया है आई कैप। अरे एक्स अक्ष के अनुदिश यही घटक होता है, यही एकांक सदिश होता है, जे तो होता ही नहीं है, जीरो होता है। अरे आई के साथ में कितना है वन, यहाँ पर भी कितना है वन, अरे वन का मल्टीप्लाई वन से किया तो कितना आएगा वन प्लस, अरे जे का मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्योंकि फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का आई के साथ में करते, जे का जे के साथ में करते, चूंकि यहाँ पर जे है लेकिन यहाँ पर जे नहीं है, जीरो है, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू मॉड ए। अरे मॉड ए का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स घटक कितना दिया हुआ है वन, वाई घटक भी कितना दिया हुआ है वन, जेड घटक कितना दिया हुआ है जीरो, तो वन का स्क्वायर करेंगे प्लस वन का स्क्वायर करेंगे प्लस जीरो, तो यहाँ से आएगा मॉड ए कितना आएगा बेटा वन, और वन टू कितना हो गया अंडर रूट टू, मॉड बी यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा वन होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे मॉड ए की वैल्यू है अंडर रूट टू, इसकी वैल्यू है वन कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा यहाँ पे वन इज इक्वल टू अंडर रूट टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे बेटा इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर वन हमारा सही हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा आपके लिए और भी इससे भी बढ़िया वीडियो लेके आऊँ। आज के लिए बच्चा इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। It's not a game, it's a rich game.